हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ ससुराल, तो स्टार्टिंग अभी से कर देते हैं। इसी पता है, रेडी होते वक्त मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ सब कुछ। यहाँ का पिन सही नहीं लग रहा है मुझे, कुछ वो कोट की वजह से थोड़ा। और कैसी लग रही मैं मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मैंने थ्रेडिंग बनवाया, सोचा थोड़ा मत्थे पर ना दाने दाने से हो गया, पता बहुत सॉफ्ट स्किन है यहाँ की, तो इस वजह से। चलो शिवम, शिवम को भी लेके चल रहे हैं, माई असिस्टेंट, आ जाओ। चलो मुन्नू, फॉलो मी। मैं मम्मी के पास गई, मम्मी मेरी साड़ी सही कर रही थी, और मम्मी हमेशा ही कहती है कि ऐसे ही तैयार होके हमेशा रहा करो, पर मुझसे हो ही नहीं पाता है। मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कहीं आना जाना है तो तैयार हो जाती है, वरना नॉर्मल तो ऐसे ही रहती है। तो चलो चलते हैं अब। चलो शिवम, तुम भी गोल्डी चल रही वहाँ तक, और गोल्डी मुझे छोड़ने चली, और मेरी बहन वो है मोलू। कहाँ है मोलू, दिख रही हो? बाय मोलू, बाय मम्मी। अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, बहुत शोर बनाओ, वॉइस ओवर कर देना। गाड़ी पे आ जाइए। मुनन सही से बैठी हो? फिर हम लोग रास्ते में नाना को खाना दिए, क्योंकि नाना को खाना रोज हम लोग देने जाते हैं, बट पापा देते हैं, पर आज हम लोग जा रहे थे उसी रास्ते से, तो हम लोगों ने दे दिया। और ये हमारा घर है, जहानी की ससुराल, और अब मैं पहुंच चुकी हूँ। शादी होने के बाद मैं यहीं पे आई थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल शायद यहीं पर गुजारे हैं। मेरे पास तो है नहीं, चल भाई बन गया इधर से। अंदर से अंदर होगा ना। अच्छा, कहाँ आ गई बेटा? देख कैसे रही है। ये है मेरा ससुराल, जहाँ पे मैं नहीं, ससुराल है उसका। देखो नन, बहुत दिन बाद आई हूँ क्या यहाँ? हाँ, सही लाइट देख के। हाँ जी, मेरे पास लाइट लगी हुई है, लाइट जल रही है। वाह भाई, गाइस ये था मेरा ससुराल वाला रूम, और यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन है, तो यहाँ पे लाइट की वजह से इसको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं कर ली है, और वो मेरी जिठानी जी थी सबसे बड़ी वाली, है ना। और फोन चाहिए, फोन। हाँ, पुराना घर है इसका, ये पैतृक घर है। हम्म, पैतृक। हम्म, नार तुम्हारी यहीं गड़ी है बेटा? कहाँ गड़ी है? पीछे। अच्छा, पीछे पीछे। हाँ दादी, दादी है ये। हाँ हाँ, नानी नहीं तो हम नानी है, हम दादी होता है। हाँ हंसी देखो। हाँ अब होते तो गुल्लू खेले थे। तो तू ना पापा ही नहीं किया हो गए उसके, तब का देखो काल। अरे धीरे तो भाग रहा नहीं अब, कुछ चुराव के तू उनका छोड़ दी। हाँ मटकवा चुरवाई लो, उनका छोड़ दो।
ठीक है, मतलब पाक है, पाक है ना, निकलिए ना से। हाँ निकलिए निकलिए। चलो ठीक है तब आपका। हाँ हाँ चलो दूसरा दरवाजा तैयार हो जाए और का। ठीक है या तो सुनो चाचा, एक एक मेन दरवाजा बन जाए, एक कमरा का है, जैसे कमरों में उनके लाग है, तो एक कमरा का एक दरवाजा और एक जाली, और दो किचनवन के फ्रेम फ्रेम तैयार हो चुकी है, दो फ्रेम और एक दरवाजा और एक फ्रेम हो जी, हो जी, तो इतना कह लियो और का। ठीक है, कभी मन भूखी हो चुकी है, दूध पी कर रही है अपना, और चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसने गिरा दिया मुनन ने अपना हाथ मार के। हाँ ले चाय पियो, अरे बुआ सब एज है, चार पीढ़ी कई कई कौन नंबर कहे हुए, पांचवी हुए, पांचवी हुए ना तो। हाँ मेरे पिताजी के बुआ हुए, मेरे बाबा के है? हाँ बुआ के मुंह है, अच्छे से रिकॉर्ड करिए। इधर देखिए बोले इधर देखो, तो गोटी बुआ है कहाँ, अब बतावा था कि तो उन्होंने तुम आए हैं भैया तब घर गए रहे, और इनको तो ढंग से कैमरा भी पकड़ना नहीं आता, फिर मैंने शिवम को दिया। बेटी बेटी बुढ़िया चुड़िया से करिया कोई नहीं हो गई, और ये बहनी करिया हो गई, ऊपर वो है बैठ जाओ, आइए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब इनको नदारी बनवाए रहे हैं, अभी तक तो सुबेर ले गए हैं ब्लड छीने में राजकुमार, और इनको हमारे ऐसे चला गए हैं हम, अब भैया हम साल साल है ना, कभी हमारे पहले गोड़ दिखाओ ले चले गए। अरे सेकंड नंबर की जेठानी, इनके पास मेरा नंबर नहीं था तो वो मुझसे कहती नंबर देने को। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, श्रीजा को सुलाया था पर वह जग गई, तो एक्चुअली मेरी साड़ी में ना थोड़ा गड़ने वाले नग लगे हुए, और चूड़ी में भी गड़ने वाले नग है, तो उसको दिक्कत हो रही है, तब महक अपने नॉर्मल कपड़ों में वो उसको गोदी लेके सुला रही है, देख सकते हो आप लोग सो रही है, और आप लोग को मैं ना यहाँ का होम टूर भी दिखाऊँगी। तो फिलहाल ये अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है जब से मैं आई हूँ, पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, और ये मेरा वाला रूम था, और यहाँ पे अभी सब महक रहती है, और यहाँ पे नल वगैरह भी नहीं था, ये हमारा किचन हुआ करता था, और अभी मेरी दीदी का घर है रूम, और अभी हम लोग थोड़ी देर में छत पे भी चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ससुराल में ब्लॉगिंग करना सच में बहुत टफ होता है, बहुत धीमे धीमे बोलना पड़ता है, तो मेरा तो पहली बार का एक्सपीरियंस है नहीं, इसके पहले एक मैं ना पिछली की पिछली दिवाली आई थी जब मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया था, तो कोई नहीं है हम लोग चल सकते हैं, मुझे लग रहा था ना कि कोई है तो नहीं। ये रहा हमारा आंगन, ये हमारा पोर्शन, ये रहा हमारा आंगन, और तुलसी जी थोड़ी सूख गई लग रहा है, और यहाँ से हम लोग छत पे चलते हैं, तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ छत पे, और ये मेरी जिठानी लेके आई पकौड़ी और सॉस, और हम लोग तब से यहीं पे बैठे बातें कर रहे थे, और यहाँ पे आप लोग श्रीजा के चैनल को देख सकते हैं, और उसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। अरे कैसा लग रहा है दादी के गला के, अच्छा लग रहा है, मजा आई, अच्छे से सोई नहीं है, थोड़ा सा सोई फिर जग गई, फिर सोई फिर जग गई, यही कर ली है जीजी की गोदी में और पकौड़ी पे नजर है। हाँ मैं खा लो गाइस, मैं छत पे चल रही हूँ, और काफी दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके, एक्चुअली हम लोग पहले यहीं पे ही रहते थे, हमारा वहाँ वाला घर बना नहीं था, केवल प्लॉट पड़ा था, अब बना जाके,
तो जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तब से बन गया, तो मैं यहाँ आती नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को यहाँ के ब्लॉग देखते ना तो ज़्यादा मज़ा आता आप लोगों को। और बाकी पार्ट कल आएगा मेरी वीडियो का, क्योंकि अभी आप लोगों ने जितने लोगों से मिला है उनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय गाइस।